नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गुलाब की केयर टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। रंग बिरंगे और खुशबूदार खूबसूरत गुलाब आखिर किसे पसंद नहीं होंगे। गुलाब जहाँ भी हो अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह लेते हैं। गुलाब के पौधे हर मौसम में आसानी से उगाए जा सकते हैं। यदि आप इसकी सही से केयर नहीं करेंगे तो इनमें फूल नहीं आ पाते और इनके ग्रोथ रुक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर के गार्डन में बहुत ही खूबसूरत गुलाब का पौधा उगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा 5 हैक्स जो आपके काम आएंगे। आइडेंटिफाई योर रोज प्लांट, अपने गुलाब के पौधों को पहचाने। दोस्तों, अक्सर हम गुलाब के नए पौधे नर्सरी से बाई करके लाते हैं तो वह बहुत ही खूबसूरत फूलों के साथ खिला रहता है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब हम इसे अपने गार्डन में लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद इसके ग्रोथ रुक जाते हैं और फूल आना भी बंद हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सकर ग्रोथ है। जिस प्लांट पर पौधे ग्राफ्ट किए होते हैं वह जंगली पौधा होता है और यह ग्राफ्टेड प्लांट के मुकाबले तेजी से ग्रोथ करता है। साथ ही जब हम पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो ग्राफ्टेड प्लांट को गलती से कट कर देते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग कब होंगे। इससे बचने के लिए आप ग्राफ्टेड प्लांट से नीचे वाले सकर ग्रोथ को पौधों से कट करके अलग कर दिया करें, क्योंकि यह ग्राफ्टेड रोज को ठीक से ग्रोथ नहीं करने देंगे। कट ओल्ड फ्लावर्स, पुराने फूलों को कट कर दिया करें। गुलाब के पौधों से अच्छे फ्लावरिंग के बाद आप हमेशा सूखे फूलों को कट कर दिया करें। पौधों की डेडहेडिंग करने से पौधे अपना सारा एनर्जी नए ग्रोथ करने में लगाते हैं और यदि आप सूखे फूलों को कट नहीं करेंगे तो वह फूल खिलने के बाद सीड्स बनने लगेंगे और पौधे का ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगा। डाईबैक यानी गुलाब के पौधे के टहनियों को सूखने से बचाना। गुलाब के पौधे अक्सर डाईबैक के कारण सूख जाते हैं, यानी पौधे के ब्रांचेज एकाएक ब्लैक होने लगते हैं और यह बड़े ही तेजी से सारे पौधे को सुखा देते हैं। इससे बचने के लिए आप प्रूनिंग करने से पहले हमेशा साफ सुथरे प्रूनर का इस्तेमाल करें और पौधों में ओवर वाटरिंग ना करें। आप सूख रहे ब्रांचेज को नीचे से कट करके फंगीसाइड या हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें ताकि डाईबैक को रोका जा सके। फर्टिलाइजर यानी गुलाब के पौधों में खाद डालना। गुलाब के पौधों में अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए बोन मील एक अच्छा फर्टिलाइजर है। यह फर्टिलाइजर आपके पौधे का ग्रोथ और फ्लावरिंग करने में हेल्प करेगा। पौधों की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आप 1-2 चम्मच बोन मील का इस्तेमाल करें और वाटरिंग करें। इसे आप महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होगा और फ्लावरिंग भी लगातार होंगे। इंसेक्ट्स कंट्रोल, पौधों को बीमारियों से बचाना। रोज प्लांट में एफिड्स, स्लग, स्पाइडर माइट और कई सारी बीमारियां लग सकते हैं। इसीलिए इन कीटों से पौधों को बचाने के लिए आप गुलाब के पौधों पर नीम ऑयल और हैंड वॉश के घोल का स्प्रे कर सकते हैं। रोज प्लांट पर इसका स्प्रे आप 15 दिनों के अंतराल पर कर सकते हैं।
जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे गुलाब के पौधों के लिए गार्डनिंग हैक्स। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।